मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की शिवराज सरकार के साथ तकरार हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 5 मेडिकल कॉलेजों में पीजी के फाइनल ईयर के 468 स्टूडेंट्स के नामांकन कैंसिल कर दिए गए हैं। इनमें जीएमसी भोपाल के 95, एमजीएम इंदौर के 92, गजराजा कॉलेज ग्वालियर के 71, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज जबलपुर के 37 और श्याम शाह कॉलेज रीवा के 173 स्टूडेंट शामिल हैं। इधर कार्रवाई के विरोध में 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। देर शाम प्रदेश के करीब 2500 जूनियर्स डॉक्टर ने अपना इस्तीफा डीन को सौंप दिया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और वहां सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पांचों मेडिकल कॉलेज के डीन ने स्टूडेंट पर कार्रवाई के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी को लिखा था। डीन द्वारा छात्रों के नाम भेजे गए थे। डीन ने छात्रों की अटेंडेंस को आधार बनाया है। उनका कहना है कि छात्रों की कॉलेज में उपस्थिति कम थी, ऐसे में इन छात्रों को बर्खास्त किया जा रहा है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सरकार ने 6 मई को उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार बाद में मुकर गई। ये थी डॉक्टर्स की मांगे। जूनियर डॉक्टर्स की स्टाइपेंड में 24% करके 55,000 से बढ़कर 68,200 एवं 57,000 से बढ़ाकर 70,680 व 49,000 से बढ़कर 73,160 किया जाए। हर साल वार्षिक 6% की बढ़ोतरी बेसिक स्टाइपेंड पर दी जाए। पीजी करने के बाद 1 साल के ग्रामीण बांड को कोविड की ड्यूटी के बदले हटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिदिन भी शामिल हो। कोविड ड्यूटी में कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स को 10 नंबर का एक सर्टिफिकेट दिया जाए, उसे सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दें। कोविड में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स और उनके परिवार के लिए अस्पताल में एक एरिया और बेड रिजर्व किया जाए, साथ ही निशुल्क इलाज उपलब्ध करा जाए। तो ये थे जूनियर डॉक्टर्स की मांगे। जूनियर डॉक्टर्स को अब बाहर से मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत अन्य राज्यों के डॉक्टर्स एसोसिएशन का समर्थन मिल रहा है। इसके पहले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और MBBS छात्रों ने भी समर्थन दिया था। सभी ने सरकार से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की मांगों को मानने की अपील की है। इंडिया खबर लाइव से मैं ईशान शर्मा, धन्यवाद।